नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पीएसए एकेडमी से। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो देखिए दोस्तों, ये आपका है भारत, ये है दोस्तों हमारा देश भारत। देखिए दोस्तों, जैसा कि कल हमने देखा था, उसी लेक्चर्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये आपका है मध्य प्रदेश, कंसेक्यूटिव मैनर में आपका है दोस्तों छत्तीसगढ़, ये है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन हैं जिनकी अध्यक्षता किसी महिला ने की है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है दोस्तों तीन महिलाओं ने, तीन अधिवेशन जिनकी अध्यक्षता किया है दोस्तों तीन महिलाओं ने। तो देखिए दोस्तों, यह आपका है दोस्तों कलकत्ता, यह पकड़ना है दोस्तों कलकत्ता। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1917, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1917, इसकी अध्यक्ष थी दोस्तों एनी बेसेंट, इसकी अध्यक्ष थी दोस्तों एनी बेसेंट। ये एक आयरिश महिला थी जो कि आयरलैंड से बिलोंग करती थी, यह एक आयरिश महिला थी जो कि आयरलैंड से बिलोंग करती थी दोस्तों, और ये बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो यह है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, यह है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। इसके बाद पकड़ना है दोस्तों, यह आपका है कानपुर, यह आपका है दोस्तों कानपुर, कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन 1925, इसकी अध्यक्ष थी दोस्तों सरोजनी नायडू। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी अध्यक्ष थी दोस्तों सरोजनी नायडू, यह एक भारतीय महिला थी। तो इसे हम कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो यह है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, यह है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये पकड़ना है तीसरा, 1933 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1933, इसकी अध्यक्ष थी दोस्तों नेली सेन गुप्ता, नेली सेन गुप्ता। यह महिला भारतीय मूल की विदेशी नागरिक थी, ये कैम्ब्रिज इंग्लैंड में रहती थी दोस्तों, कैम्ब्रिज इंग्लैंड। तो इन्हें हम कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय मूल की, प्रथम भारतीय मूल की महिला अध्यक्ष। तो इस प्रकार से इन तीन महिलाओं ने, अर्थात एनी बेसेंट, नेली सेन गुप्ता और सरोजनी नायडू, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता का पद संभाला है। तो यहां पर एक बार रिवाइज मारते हैं दोस्तों, तीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष। देखिएगा, पहला है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1917, इसकी अध्यक्ष थी दोस्तों एनी बेसेंट जो कि आयरलैंड से बिलोंग करती थी, यह है प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। दूसरा पकड़ते हैं दोस्तों, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1933, इसकी अध्यक्ष थी दोस्तों नेली सेन गुप्ता, यह है प्रथम भारतीय, कांग्रेस की प्रथम भारतीय मूल की महिला अध्यक्ष। तीसरा पकड़ना है दोस्तों कानपुर, जो कि कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन 1925, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। इसके बाद लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, हम अब कांग्रेस के सभी अधिवेशन को एक साथ पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस के सभी अधिवेशन को एक साथ पढ़ते हैं। देखिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
कांग्रेस के 6 प्रारंभिक अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ है दोस्तों मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ है दोस्तों मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ है दोस्तों मुंबई में। मैं आपको अभी 6 कंसेक्यूटिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन बता रहा हूं दोस्तों। देखिए, पहला अधिवेशन हुआ है दोस्तों मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई 1885। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 मुंबई। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। ध्यान से बैठाइएगा दोस्तों दिमाग में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 मुंबई। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन भी मुंबई में हुआ दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फिफ्थ अधिवेशन 1889। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों सर विलियम बैडरबर्न। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई 1885। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फिफ्थ अधिवेशन 1889 मुंबई। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों सर विलियम बैडर बर्न। इसके बाद पकड़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता 1886। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास, जो आज का है दोस्तों चेन्नई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास, जो आज का है दोस्तों चेन्नई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों बद्रुद्दीन तैयब जी। ध्यान में बैठाइएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई 1885। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन 1889। इसके अध्यक्ष थे सर विलियम बैडर बर्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन 1887। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों बद्रुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन, वर्तमान में इलाहाबाद को हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रयागराज अधिवेशन या इलाहाबाद अधिवेशन, ये पकड़ना है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये है दोस्तों चौथा अधिवेशन 1888। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों जॉर्ज यूले। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों जॉर्ज यूले। इसके बाद पकड़ना है ये आपका है दोस्तों नागपुर। ये पकड़ना है दोस्तों नागपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का छठवां अधिवेशन 1890। ये है दोस्तों सातवां अधिवेशन 1891। ध्यान से बैठाइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, जो कि सातवां अधिवेशन है दोस्तों 1891। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों पी आनंद चारलू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, जो कि था दोस्तों सातवां अधिवेशन 1891। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों पी आनंद चारलू। ध्यान से बैठाइएगा, ये था दोस्तों पी आनंद चारलू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का छठवां अधिवेशन, जो पकड़ना है दोस्तों आपको कलकत्ता 1890। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों फिरोज शाह मेहता।
दिमाग में बैठाइएगा, फिरोज शाह मेहता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन 1890, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों फिरोज शाह मेहता। एक रिवाइज मारते हैं दोस्तों, देखिएगा। अर्थात मैंने आपको यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 प्रारंभिक अधिवेशन बताए हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन, पहला अधिवेशन 1885, इसके अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन 1889, सर विलियम बेडनबर्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता 1886, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का छठवां अधिवेशन 1890, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों फिरोज शाह मेहता, वो भी कलकत्ता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन, जो कि तीसरा अधिवेशन था दोस्तों 1887, अध्यक्ष थे बद्रुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन, जो कि चौथा अधिवेशन था दोस्तों 1888, अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, जो कि सातवां अधिवेशन था दोस्तों 1891, अध्यक्ष थे पी आनंद चारलू। तो इसमें मैंने आपको दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6 नहीं बल्कि 7 प्रारंभिक अधिवेशन बताए हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संपूर्ण अधिवेशन को एक साथ देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों को हम एक साथ देखने जा रहे हैं दोस्तों, चलिए एक साथ देखते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन को एक साथ, चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। देखिएगा, देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों पाकिस्तान, ये पकड़ना है दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान में यहां पर सिंधु नदी के तट पर है दोस्तों कराची, ये है दोस्तों कराची। अब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संपूर्ण अधिवेशन को एक साथ देखने जा रहे हैं, देखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, ये पकड़ना है दोस्तों कराची। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ने का कारण ये है दोस्तों, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा 1905 से लेकर 1947 तक, तो इन सभी घटनाओं में हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन काम आएंगे। तो चलिए दोस्तों ये पकड़ना है दोस्तों कराची अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष थे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, और इसके अध्यक्ष थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये पकड़ना है दोस्तों लाहौर, ये पकड़ना है दोस्तों लाहौर, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ये पकड़ना है दोस्तों अमृतसर, पंजाब में ये पकड़ना है दोस्तों अमृतसर, कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित मोतीलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी पंडित मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन, दिमाग में बैठाइएगा, कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन, कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन 1918, कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन 1918, कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन 1918, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों मदन मोहन मालवीय, दिमाग में बैठाइएगा, मदन
मोहन मालवीय, भारत रत्न मदन मोहन मालवीय। देखिएगा कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, इसके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन 1918, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय। आगे बढ़ते हैं, ये है दोस्तों मेरठ। कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन, दिमाग में बैठाइएगा, कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन 1946, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों जेबी कृपलानी। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों जेबी कृपलानी, दिमाग में बैठाइएगा। एक रिवाइज देख लेते हैं, देखिए कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन 1918, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन 1946, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों जे बी कृपलानी। ये पकड़ना है दोस्तों कानपुर, ये पकड़ना है दोस्तों कानपुर। कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन 1925, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों सरोजिनी नायडू। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों सरोजिनी नायडू। कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन 1946, अध्यक्ष जेबी कृपलानी। कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन 1925, अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। यह पकड़ना है दोस्तों इलाहाबाद, जो आज का है दोस्तों प्रयागराज। ये पकड़ना है दोस्तों इलाहाबाद और ये पकड़ना है दोस्तों वाराणसी या बनारस, एक ही मतलब है दोस्तों, आप बनारस लिखे या वाराणसी लिखे। कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन, कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन 1888, कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन 1888, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों जॉर्ज यूले। कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन 1888, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों जॉर्ज यूले। कांग्रेस का वाराणसी या कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ये पकड़ना है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस का बनारस या वाराणसी अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों 1905 के गोपाल कृष्ण गोखले। एक रिवाइज देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, अध्यक्ष थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन 1918, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन 1946, अध्यक्ष जेबी कृपलानी। कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन 1925, अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन 1888, अध्यक्ष थे दोस्तों जॉर्ज यूले। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905, अध्यक्ष थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। यह है दोस्तों बिहार, बिहार में पकड़ना है यह दोस्तों गया, गया में पकड़ना है। कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922, कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922, देखिए यहां बता देता हूं दोस्तों, कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों देशबंधु चितरंजन दास। देशबंधु चितरंजन दास। कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों देशबंधु चितरंजन दास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह आपका है दोस्तों झारखंड, झारखंड में ये पकड़ना है, यह है दोस्तों रामगढ़, यह है दोस्तों रामगढ़। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन 1940, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन 1940, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन 1940, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कंटिन्यूसली 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस की अध्यक्षता किया है। इस प्रकार से इन्होंने लगातार
6 वर्ष तक कांग्रेस की अध्यक्षता किया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि कांग्रेस में सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति है मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह आपका है दोस्तों कलकत्ता, यह आपका है दोस्तों कलकत्ता, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। देखिएगा यहां पर काफी सारे अधिवेशन हुए हैं, देखिएगा कौन कौन से। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1886, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1890, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1896, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1901। पहले ये चार का पेयर एक साथ देखिए दोस्तों, 1886, 1890, 1896, 1901। ओके, देखिएगा आगे 1906, 1911, दिमाग बैठाइएगा, 1906, 1911, 1917, 1920। ये 1920 का जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था दोस्तों, यह एक विशेष अधिवेशन था या आपातकालीन अधिवेशन था, ध्यान में रखिएगा, यह एक रेगुलर अधिवेशन नहीं था। इसके बाद पकड़ना है दोस्तों 1900, कलकत्ता में ही पकड़ना है दोस्तों 1928 और 1933। तो चलिए देखो, देखिए दोस्तों हमें बताते हैं, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1886, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1886, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1890, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों फिरोज शाह मेहता, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों फिरोज शाह मेहता। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1890, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों फिरोज शाह मेहता। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1896, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों रहीमतुल्ला सयानी, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों रहीमतुल्ला सयानी। कांग्रेस का ये अधिवेशन इसलिए खास है दोस्तों, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1896 जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों रहीमतुल्ला सयानी। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी के नेतृत्व में या अध्यक्षता में पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1901, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों दिनसा इडलजी वाचा, दिनसा इडलजी वाचा, दिनसा इडलजी वाचा। यह कांग्रेस का ये वो अधिवेशन है दोस्तों, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1901 जिसमें महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906, इसके अध्यक्ष फिर से बनते हैं दोस्तों दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1911, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों विशन नारायण धर, विशन नारायण धर। यह कांग्रेस का वो अधिवेशन है दोस्तों, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1911 जिसमें अध्यक्ष विशन नारायण धर के नेतृत्व में पहली बार जनगणमन गाया गया था। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1917, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों एनी बेसेंट। यह कांग्रेस का अधिवेशन इसलिए खास है क्योंकि इसमें पहली बार किसी महिला ने कांग्रेस के अध्यक्षता पद का कार्यभार संभाला था। तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1917, अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कांग्रेस का कलकत्ता का विशेष अधिवेशन 1920, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों लाला लाजपत राय। कांग्रेस के इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को महात्मा गांधी के द्वारा पेश किया गया था 4 सितंबर 1920 को, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था। कांग्रेस के कलकत्ता का विशेष अधिवेशन 1920, लाला लाजपत राय। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक अध्यक्षता किया है दोस्तों अमृतसर में 1919, और एक है दोस्तों कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1928, पंडित मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1933, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों नेली सेन
गुप्ता। ध्यान रखिएगा, कुछ इतिहासकार नेली सेन गुप्ता का नाम लिखते हैं नलिनी सेन गुप्ता, जो कि गलत है। इनका वास्तविक नाम है नेली सेन गुप्ता, 1933 नेली सेन गुप्ता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहां पकड़ते हैं दोस्तों, देखिएगा यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको पकड़ना है, यह है दोस्तों काकीनाडा, यह पकड़ना है दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर काकीनाडा। गोदावरी नदी काकीनाडा के पास ही जाकर बंगाल की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है, सॉरी विसर्जित हो जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन, कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन 1923, कांग्रेस का काकीनाड़ा अधिवेशन 1923, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों मौलाना मोहम्मद अली, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों मौलाना मोहम्मद अली, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों मौलाना मोहम्मद अली जौहर, दिमाग में बैठाइएगा नाम। कांग्रेस का काकीनाड़ा अधिवेशन 1923, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों मौलाना मोहम्मद अली जौहर। आगे बढ़ते हैं, ये आपका है दोस्तों मद्रास, मद्रास कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन, दिमाग में बैठाइएगा, मद्रास अधिवेशन बता रहा हूं, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन 1887, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों बद्रुद्दीन तैयब जी, बद्रुद्दीन तैयब जी, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों बद्रुद्दीन तैयब जी, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों बद्रुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन 1908, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों रास बिहारी घोष, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों रास बिहारी घोष। आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन 1887, अध्यक्ष थे दोस्तों बद्रुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन 1908, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों रास बिहारी घोष। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपका है दोस्तों नागपुर, नागपुर को पकड़ते हैं, चलिए पहले पकड़, चलिए पहले भी नागपुर को पकड़ लेते हैं, ये आपका है दोस्तों नागपुर, ये पकड़ना है दोस्तों नागपुर, नागपुर को चलिए मैं यहां बता देता हूं, ये है आपका नागपुर, ये है नागपुर। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1891, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों पी आनंद चारलू, पी आनंद चारलू। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1891, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों पी आनंद चारलू। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920, ध्यान दीजिएगा कांग्रेस का ना कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1920 में, जबकि रेगुलर अधिवेशन होता है नागपुर में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों विजय राघवाचार्यर, विजय राघवाचार्यर, विजय राघवाचार्यर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये पकड़ना है दोस्तों कर्नाटक में बेलगाम, बेलगाम। कुछ इतिहासकार गलती से बेलगाम को बेलगांव लिखते हैं, बेलगांव नहीं है दोस्तों, ये बेलगाम है, बेलगाम। कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन 1924, कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन 1924, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों, कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन 1924, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों महात्मा गांधी, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों महात्मा गांधी। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया है, यह है दोस्तों कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन 1924। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह पकड़ना है दोस्तों, यहां पर देखिए क्या क्या पकड़ना है, यह आपका है दोस्तों नासिक, महाराष्ट्र में यह पकड़ना है दोस्तों नासिक, यह पकड़ना है दोस्तों फैजपुर, फैजपुर, और यह पकड़ना है दोस्तों मुंबई, ये पकड़ना है दोस्तों मुंबई। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं, ये पकड़ते हैं दोस्तों मुंबई, कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन 1885, कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन 1885, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन 1885, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन 1889, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों सर विलियम बैडर्न बन, सर विलियम बैडर्न, बैडर्न बन, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों सर विलियम बैडर्न बन। ओके आगे बढ़ते हैं,
कांग्रेस का नासिक अधिवेशन, दिमाग में बैठाइएगा, कांग्रेस का नासिक अधिवेशन 1950, कांग्रेस का नासिक अधिवेशन 1950, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन।